नमस्कार। छठ पूजा के इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य पूजन यानी भगवान सूर्य देव की उपासना। विश्व की अलग अलग भाग में सूर्य पूजन होती है और जहाँ तक भारतवर्ष की बात आती है, जो एक महान परंपरा और आस्था की प्रतीक के रूप में भारत की हिंदी वलय में सूर्य देव की पूजा की जाती है। यहाँ एक बात उल्लेख करना प्रासंगिक है कि छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, फिर भी इसे हम सूर्य पूजा कहने के वजह इसे छठ मैया का त्यौहार कहते हैं। माना जाता है कि छठ मैया को प्रसन्न होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठ मैया की इन्हीं गुणों के कारण सूर्य पूजा को छठ पर्व की मान्यता मिली। दूसरी तरफ और एक मान्यता है कि छठ पूजा सूर्य, उषा, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा हेतु हम उनकी आह्वान करते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए पूजन आदि करते हैं। छठ पूजा को कार्तिक छठ भी कहा जाता है। छठ पूजा के दिन भगवान सूर्य देव और छठी माता की पूजा की जाती है। छठ पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। छठ पूजा के दिन व्रतधारी नदी के तट पर आकर पवित्र जल में स्नान करती है और सूर्य देव को अर्घ चढ़ाती है। इस पूजा के जरिए हम भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं और उनसे अपने अच्छे स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। कोविड महामारी की इस विषम परिस्थिति में छठ पूजा की महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रकृति आराधना का महापर्व छठ पूजा है। छठ की मान्यता ये है कि एकमात्र मूर्त सूरज भगवान जो हमें दिखाई देते हैं, हम उनकी उपासना करते हैं। ये एकमात्र त्यौहार है जिसमें श्रद्धालु उगते और डूबते सूरज की पूजा करते हैं। इसमें पूरी निष्ठा के साथ प्रकृति का पूजन की जाती है। मान्यता है कि छठ पूजन से शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार की रोग की विनाश होता है। पूजा करने वाले व्रतियों की इस पर्व में अगाध श्रद्धा है। इसमें उन्हें इस बात में दृढ़ आस्था रहती है कि भगवान सूर्यदेव से मांगी गई हर मुराद निश्चित पूरी होती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरे 36 घंटे निर्जला उपवास, पूरे समय नंगे पांव चलना, रात को भूमि पर शयन आदि नियम निष्ठा पूर्वक निर्वाह करना पड़ता है। इस त्यौहार का उद्देश्य सूर्य देव से अपनेपन और निकटता का महसूस करना। सूर्य देव को जल अर्पित करने का अर्थ है कि हम संपूर्ण हृदय से आपके आभारी हैं और यही भावना से ओतप्रोत होकर घर की प्रधान स्त्री व्रतधारी बनके अपने घर परिवार की सुख समृद्धि और रोग मुक्त के लिए कठिन व्रत से गुजरती हैं और सूर्य देव की उपासना कर खुद सूर्य सा प्रकाशित होती हैं। अंत में आइए हम सब इस महापर्व की शुभ अवसर पर भगवान सूर्य देव से यही प्रार्थना करते हैं कि इस धरती को अपनी करुणा प्रकाश से रोग मुक्त और शांति प्रदान करे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन। क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।